हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं ज्ञानी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पे, मैं आपका। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लैंड एंड पाकिस्तान के बीच में जो सेकंड ओडीआई मैच आज खेला जाएगा उसी के बारे में। सबसे पहले, अगर आप इस चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं और नहीं बने इस फैमिली का हिस्सा, तो इस छोटे से फैमिली का हिस्सा बन जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी चैनल पे इन डेप्थ एनालिसिस के साथ हर एक मैच को आपके लिए कवर करते हैं, ताकि ड्रीम इलेवन का टीम बनाने का सफ़र आपका आसान हो जाए, किसी को पैसे देने का ज़रूरत ना हो, टॉस के बाद कन्फ्यूजन ना रहे कि कौन से प्लेयर को नहीं लेना है, कौन से प्लेयर को लेना है, कब लेना है, वो सब कुछ मैं वीडियो में समझा देता हूँ। तो वीडियो अगर आप अच्छे से देखते हैं, आखिर तक देखते हैं, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो इमामुल हक का सिलेक्शन सिर्फ 17% आ चुका है, बट इनको इस मैच में मैं अपने टीम में लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो टॉप 15 में आईसीसी रैंकिंग्स में रैंक करते हैं बैट्समैन ओडीआई मैचेस में, वहां पे एक है इमामुल हक, एक है मोहम्मद रिजवान और एक है बाबर आजम। तो इसलिए लास्ट मैच के फेलियर के बाद भी मैं इमामुल हक को इस मैच में ट्रस्ट करने वाला हूं। और यहां पे ग्राउंड भी चेंज हुआ है, लास्ट मैच हुआ था कार्डिफ में, ये मैच है लंदन लॉर्ड्स पे। तो स्टैटिस्टिक्स क्या चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो सब हम देखने वाला है। वेन्यू स्टैट्स हम देखेंगे, हेड टू हेड स्टैट्स देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो वीडियो आखिर तक देखना है और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एंजॉय करना है। तो हाँ जी, ये होगा इंग्लैंड एंड पाकिस्तान के बीच में सेकेंड ओडीआई। टाइम है 3:30 PM IST, वेन्यू है लॉर्ड्स लंदन इंग्लैंड। अब लॉर्ड्स का ग्राउंड स्टैट्स देख लेते हैं, मतलब जब जब यहाँ पे ओडीआई मैचेस हुए हैं तब तब कैसे क्या रहा है, एवरेज स्कोर क्या रहा है, बैटिंग फर्स्ट ज़्यादा फेवर हुआ है या फिर बैटिंग सेकंड, स्कोरिंग पैटर्न क्या है, सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 65 ओडीआई मैचेस खेले गए हैं आज तक। बैट फर्स्ट करने वाला टीम जीता है 30 टाइम्स, बैट सेकंड करने वाला टीम जीता है 33 टाइम्स। तो इससे क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि थोड़ा सा चेजिंग फेवर्ड है। कैसे? अगर जो टीम चेस करने आ रहा है उनका अगर शुरुआत अच्छा खासा मिल जाए तो वो चेस कर जाते हैं मोर ऑफन देन नॉट। ठीक है, बट यहाँ पे आप अगर शुरू में ही जल्दी विकेट गिर जाते हैं चेस करते हुए, तो यहाँ पे 250 का टारगेट भी चेस नहीं होता। थोड़ा सा ये ट्रिकी ग्राउंड है, जितना बार ये बैटिंग फर्स्ट को फेवर किया है लगभग उतने बार ही चेजिंग को फेवर किया है। तो आप क्लियर कट नहीं बोल सकते हाँ ये चेजिंग ग्राउंड है कि ये बैट फर्स्ट करने वाला टीम को फेवर करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आप चेस करते हो 270-280 और अगर आपको अच्छा खासा स्टार्ट मिल जाता है, जैसे 60 for none 70 for none, तो आपका अच्छा खासा चांस है और आप देख सकते हो कि वो वाला टीम चेस कर जाएगा उस टारगेट को। ठीक है, बट उसके लिए एक पेशेंट स्टार्ट, एक स्टेडी स्टार्ट का ज़रूरत होता है। ठीक है, और अगर बैट फर्स्ट करना है तो अर्ली विकेट नहीं खोना है, जैसे कि लास्ट मैच में पाकिस्तान ने खोया था। और हर बार लास्ट मैच की तरह मैच नहीं होगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड मार्क माई वर्ड्स, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस मैच में पाकिस्तान बाउंस बैक करेगा और अच्छे से करेगा। तो यहाँ पे एवरेज स्कोर बैट फर्स्ट करते हुए है 242, जैसे कि मैं बता रहा था कि ट्रिकी पिच है। यहाँ पे क्लियर कट नहीं है कि हाँ बहुत स्कोर बनेगा, 270-280 तक बनेगा, ऐसा नहीं है। एंड बहुत कम भी नहीं है कि 200 के बीच में ऑल आउट हो जाता है, 210 बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता। 242 का एवरेज स्कोर है। अगर ठीक ठाक बैटिंग हुआ तो यहाँ पे 265-270 तक भी बन सकता है। और इंग्लैंड अगर बैट फर्स्ट किया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 285 तक भी बनेगा, क्योंकि नीचे बेन स्टोक्स है एंड उनके साथ जेम्स विंस है, ऊपर से जैक क्रॉली, डेविड मलान है, फिल सॉल्ट लास्ट मैच में नहीं चले थे, वो अगर चलते हैं तो ऊपर से अच्छा खासा स्टार्ट मिल जाएगा। तो नीचे से यहाँ पे 275-280 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो उस टाइम पे चेज थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, उनके लिए एक स्टेडी स्टार्ट ज़रूरत होगा जो इमामुल हक प्रोवाइड कर सकते हैं इस मैच में। ठीक है, तो हर वक्त सेम चीज़ें नहीं होता लास्ट मैच के स्कोर कार्ड के बेसिस पे, इस बार टीम नहीं बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर इंग्लैंड का है 334 for 4, लोएस्ट स्कोर है साउथ अफ्रीका का 107 for 10। अब स्कोरिंग पैटर्न देख लेते हैं, स्कोरिंग पैटर्न मतलब कौन से रेंज में इस ग्राउंड पे ज़्यादातर केसेस में स्कोर बने हैं। तो स्कोर 200 बना है 14 टाइम्स, जैसे कि आप देख सकते हो अच्छा खासा बार बिलो स्कोर 200 भी बना है। बाकी स्कोर बिटवीन 200 and 249 कितना बार बना है, 20 बार। अब ये चीज़ें ध्यान देना, ये दोनों मिडिल में स्कोर बिटवीन 200 and 249 बना है 20 बार, एंड स्कोर बिटवीन 250 and 299 बना है 22 बार। तो अब देख सकते हो 200 से 299 के बीच में कितना बार स्कोर बना है, ज़्यादातर केसेस में आप देखोगे 250 to 299। ठीक है, ये वाला रेंज यहाँ पे बहुत फेवर करता है। बाकी 300 से ज़्यादा भी गया है बट सिर्फ 9 बार गया है। तो आप यहाँ पे एक मीडियम स्कोरिंग ग्राउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने बोला, चेस हो जाता है अगर अच्छा खासा स्टार्ट मिला तो, नहीं तो फिर चेस नहीं होगा। और यहाँ पे स्पिनर्स का रोल भी रहता है, पेसर्स का रोल भी रहता है। कैसे, मैं प्रूफ करने वाला हूँ, वीडियो आखिर तक देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो दोस्तों अब देख लेते हैं इस ग्राउंड पे रीसेंट मैचेस कौन से हुए हैं। आपको तो पता ही है कि वाइटलिटी ब्लास्ट चल रहा है T20 वहाँ पे, तो
वाइटलिटी ब्लास्ट का 3 मैचेस यहाँ पे इस साल खेले गए हैं, वहाँ पे कैसा क्या रहा था आप देख लेते हैं। मिडिल सेक्स का होम ग्राउंड है तो हर एक मैच का आपको मिडिल सेक्स दिख जाएंगे, ठीक है। जो लेटेस्ट मैच यहाँ पे खेला गया था वहाँ पे मिडिल सेक्स बैट फर्स्ट किया था 166/7 किया था ससेक्स के अगेंस्ट, एंड ससेक्स वो चेज नहीं कर पाए थे क्योंकि शुरू में ही जल्दी विकेट गिर गया था 2-3 और मिडिल ऑर्डर ज़्यादा संभाल नहीं पाए थे, 103/9 बना पाए थे। यहाँ पे फास्ट बॉलर्स ने 10 विकेट लिए थे रीसेंट मैच में, ठीक है, और स्पिनर्स ने 6 विकेट निकाले थे। उतना पीछे नहीं है स्पिनर्स, अगर क्वालिटी स्पिनर्स हैं तो एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कि वो विकेट आपको लेके देंगे, ठीक है। बाकी जो सेकंड लास्ट मैच हुआ था यहाँ पे, वहाँ पे मिडिल सिक्स फिर से बैट फर्स्ट किया 183/2 किया, सिक्स का अच्छा खासा विकेट गिरने के बाद भी 184/8 वो उन टारगेट को चेस कर गए, ठीक है। यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को 8 विकेट, स्पिनर्स को 1 विकेट एंड रन आउट 1 हुआ था, ठीक है। बाकी जो फर्स्ट मैच हुआ था इस ग्राउंड पे, जो कि मैंने नंबर 3 पे लिखा है, यहाँ पे सरे ने बैट फर्स्ट किया 223/7 किया एंड मिडिल सिक्स उस टारगेट को चेस नहीं कर पाए, 169/9 किए थे। फास्ट बॉलर्स 8 विकेट निकाले, स्पिनर्स 5 विकेट निकाले, जैसे कि आप देख सकते हो कि उतना भी डिफरेंस नहीं है पेसर्स और स्पिनर्स अगर आप बीच वाला मैच निकाल दो तो, एंड रन आउट हुआ था 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि देखो पैटर्न को आप फॉलो करो, फास्ट मैच में फर्स्ट इनिंग में कम विकेट गिरा, सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट गिरा, सेकेंड मैच में भी फर्स्ट इनिंग में कम विकेट गिरा, सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट गिरा, हालांकि चेज हो गया बट सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट गिरता है। थर्ड मैच में भी फर्स्ट इनिंग में कम विकेट गिरा, सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट गिरा एंड चेज नहीं हुआ। तो वही मैं बता रहा था कि थोड़ा सा ट्रिकी पिच है यहाँ पे, ज़्यादातर केसेस में सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट गिरता है जनरली अगर दो टक्कर के टीम खेल रहे हो तो, एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पिच थोड़ा सा स्लो हो जाता है जब जब फर्स्ट इनिंग में पूरा 50 ओवर या 20 ओवर का खेल होता है, तो फुट स्टेप्स एंड फुट मार्क्स वहाँ पे दिख जाते हैं एंड ऑब्वियसली पिच थोड़ा सा स्लो हो जाता है, एंड ऑब्वियसली सेकेंड इनिंग में जो स्पिनर्स होते हैं वो गेम में आते हैं ज़्यादातर केसेस में, एंड फास्ट बॉलर्स जो अच्छा खासा कटर्स करते हैं, अच्छा खासा लेंथ को हिट करते हैं, वो अच्छा खासा गेम में आते हैं सेकेंड इनिंग में, ठीक है। तो मैं प्रूफ के साथ आपको बता दिया कि कैसे क्या हुआ है इस साल और कैसे क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो में दिए गए इन्फॉर्मेशन, लॉजिकल एनालिसिस एंड नॉलेज आपको अब तक पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अब तक नहीं किए हैं तो, और वीडियो को एक लाइक करके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं स्क्वाड एनालिसिस। अब स्क्वाड एनालिसिस मतलब, स्क्वाड एनालिसिस में मैंने हर एक प्लेयर का स्टैटिस्टिक्स रिकॉर्ड्स लिख के रखा है कि कौन कितने ओडीआई मैचेस खेला है और कौन कितने ओडीआई मैचेस नहीं खेला है और लिस्ट मैचेस खेला है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आपको इस टीम में मिल जाएंगे इंग्लैंड का जो ज़्यादा ओडीआई मैचेस नहीं खेले हैं, तो उनका कैपेबिलिटी आप कैसे जज करोगे, लिस्ट मैचेस से आप जज कर सकते हो। लिस्ट मैचेस मतलब जो ODD डोमेस्टिक मैचेस होते हैं उनके कंट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे बेन स्टोक्स का भी मैंने लिख के रखा है, जेक बॉल जो इस मैच में खेल सकते हैं, फर्स्ट मैच के पहले ही लिख के रखा था, फर्स्ट वाला वीडियो अगर आपको देखे होगे तो आपको पता चल गया होगा जेक बॉल को इस मैच में मौका मिल सकता है, ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है फ्रॉम नॉटिंगहैमशायर, जैसे कि मैंने शाकिब महमूद का भी बताया था, थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर है फ्रॉम लैंकाशायर इन वाइटलिटी T20 इस साल, ठीक है। और वो क्या कर गए आप सबको पता है, ठीक है। तो इसलिए शाकिब महमूद को इस मैच में आप ट्राई कर सकते हो, ऑब्वियसली सभी लेके आएंगे तो हम भी लेके आएंगे, स्मॉल लीग में रिस्क नहीं लेना है। अब थोड़ा सा रिस्क लेके स्मॉल लीग खेलना चाहते हो तो शाकिब महमूद को छोड़ सकते हो, बट मैं प्रेफर नहीं करूंगा। बाकी यहाँ पे जैक ट्रॉली, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर है फ्रॉम केंट इन वाइटलिटी T20 इस साल का, तो यहाँ पे जैक ट्रॉली 50 कर गए अपने डेब्यू में। तो ये सब आप कहाँ पे मिलेगा, ये सब आपको इसी चैनल पे मिलेगा। डैनी ब्रिक्स का भी ध्यान रखना, अगर मौका मिलता है तो ज़रूर से अच्छा कर सकते हैं, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है फ्रॉम वॉर्विक शायर इस साल के वाइटलिटी ब्लास्ट का, ठीक है। तो इस मैच में डैनी ब्रिक्स का एंड जेक बॉल, अगर इन दोनों को मौका मिलता है तो दोनों का ही अच्छा खासा फॉर्म चल रहा है वाइटलिटी ब्लास्ट में और ये अच्छा खासा कर सकते हैं इस मैच में अगर मौका मिलता है तो, ठीक है। बाकी बेन डकेट भी थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर है, ये है कीपर बैट्समैन। बाकी फिल सॉल्ट को मुझे लगता है कि इस मैच में दोबारा मौका मिलेगा क्योंकि लास्ट मैच में उतना कुछ खास नहीं किए थे, तो और एक मौका इनको मिलेगा। बाकी लास्ट जो ODI होगा, थर्ड ODI, वहाँ पे आपको बेन डकेट दिख सकते हैं फिल सॉल्ट की जगह। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट मैच का भी नॉलेज आपको मिल गया कि बेन डकेट को लास्ट मैच में मौका मिलेगा तो आपको ट्राई करना है, ठीक है। बाकी लुइस ग्रेगोरी को तो आपको पता ही है, बाकी यहाँ से विल जैक्स को मौका मिल सकता है, हाईएस्ट रन स्कोरर थे सर्रे के तरफ से इस साल वाइटलिटी ब्लास्ट में, तो इनको भी ट्राई करना है। ये टॉप ऑर्डर में खेलते हैं जनरली बट ODD मैचेस में ये मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, तो ज़रूर से ध्यान दे सकते हो, नीचे आके फिनिश कर सकते हैं। बाकी डेविड मलान को तो छोड़ना ही नहीं है, क्रेग ओवरटन बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको कंट्रीब्यूशन देंगे। मैट पार्किंसन का देखो, हाईएस्ट विकेट टेकर फ्रॉम लैंकाशायर और लास्ट मैच में क्या कर गए, 2 विकेट लेके गए। तो इसलिए मैं बताता हूँ, वीडियो में दिए गए इन्फॉर्मेशन को आप ज़रूर से कंसिडर करो, लिख के रखो
एंड अप्लाई करो अपने टीम में, ठीक है, ताकि आप अच्छे से अच्छा टीम खुद से बना पाओ। बाकी डेविड पेन का भी ध्यान रखना है, लेफ्ट आर्म मीडियम, ठीक है, लेफ्ट आर्म मीडियम बहुत ज़्यादा तंग करते हैं ये अपने सीम स्विंग एंड लेंथ से, ठीक है, एंड गुच्छे में विकेट निकालते हैं। अगर डेविड पेन को मौका मिलता है तो ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर है फ्रॉम ग्लोसेस्टरशायर इस साल वाइटलिटी ब्लास्ट में। बाकी फिल सॉल्ट लास्ट मैच में नहीं फटे थे बट सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर है ससेक्स के तरफ से और ये चेस करते हुए बेहतरीन करते हैं। लास्ट मैच में मैं वहीं पर हैरान हुआ कि ये चेस करते हुए फ्लॉप हो गए, बट ठीक है कोई बात नहीं, एक दो मैचेस में होता है, बट ज़्यादातर केसेस में इनके करियर में ये चेस करते हुए बेहतरीन परफॉर्म किए हैं, ठीक है। बट इनको एक बॉलर से आज बचना होगा जो लास्ट मैच में इनको आउट किया था, उनका भी रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे बेहतरीन है। कौन से पाकिस्तानी बॉलर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बताऊँगा नीचे वीडियो में, आप देखते रहो। बाकी जेम्स बिन्स मिडिल ऑर्डर संभालेंगे, हर बार ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान जल्दी 150 के बीच में आउट हो जाएगा, ऑल आउट हो जाएगा और शुरू के जो टॉप ऑर्डर है वही आके इंग्लैंड का काम तमाम कर देंगे। अगर इंग्लैंड का बैट फर्स्ट हुआ और बाई चांस शुरू में एक दो विकेट गिर गया जल्दी तो जेम्स बिन्स आके अच्छा खासा संभाल सकते हैं, ठीक है। तो जेम्स बिन्स, बेन स्टोक्स का आप इस मैच में ज़रूर से ध्यान देना, बहुत कम लोग जेम्स बिन्स के ऊपर ध्यान देंगे, स्पेशली ग्रैंड लीग में एक टीम में वाइस कैप्टन बना के छोड़ देना, ठीक है। बाकी पाकिस्तान का भी सेम प्लेयर स्टैटिस्टिक्स मैंने लिख के रखा है, बाबर आजम का, यहाँ पे हसन अली का, फहीम अशरफ, अब्दुल्ला शफीक, जो जो प्लेयर स्क्वाड में है हर एक का स्टैट्स मैंने लिख के रखा है, आप यहाँ से प्लेयर को जज कर सकते हो कि कैपेबिलिटी कितना है, ठीक है। यहाँ पे शाहीन शाह आफरीदी का भी मैंने लिख के रखा है, ये शाहीन शाह आफरीदी का बेस्ट फिगर देख रहे हो 6/35, ये कहाँ पे आया था इनका, ये इसी ग्राउंड पे आया था मेरे भाई, लॉर्ड्स पे, ठीक है, वर्ल्ड कप 2019 पे बांग्लादेश के अगेंस्ट, ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो शाहीन शाह आफरीदी का इस मैच में स्पेशल ध्यान रखना है, ये तंग कर सकते हैं आज इंग्लैंड को, ठीक है, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, क्योंकि इनको पसंद है फ्रेश पिच में बॉलिंग करना, फ्रेश पिच पे नए बॉल के साथ ये अच्छा खासा स्विंग कर सकते हैं और अच्छा खासा LBW बोल्ड या फिर एज लगवा सकते हैं एंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ से उस्मान कादिर अगर खेलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, लेग ब्रेक बॉलर हमेशा इंग्लैंड को तंग करते हैं। आगा सलमान फिलहाल तो नहीं है, फ़कर जमान का एवरेज देखो 49.17 ODI मैचेस में, मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था। बाकी मोहम्मद रिजवान का ODI में एवरेज तो उतना कुछ खास नहीं है बट रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है। और एक प्लेयर जिसके बारे में मैं वीडियो के शुरू में बात कर रहा था, इमामुल हक, जिनका एवरेज देखो 50+ है ODI मैचेस में, सिर्फ बाबर का 50+ है ODI मैचेस में इन पूरे पाकिस्तान टीम में। तो इमामुल हक को अब ज़रूर से ट्राई करना है, ये ODI स्पेशलिस्ट है, ज़रूर से इमामुल हक को ट्राई करना है इस मैच में। बाकी हेड टू हेड ओवरऑल, मतलब जब जब पाकिस्तान एंड इंग्लैंड एक दूसरे के अगेंस्ट खेला है तब तब क्या हुआ है, टोटल 88 मैचेस खेले गए हैं, इंग्लैंड 53 बार जीता है एंड पाकिस्तान 32 टाइम्स जीता है, एक बार नो रिजल्ट रहा था। हेड टू हेड लास्ट फाइव मैचेस में से पाकिस्तान पाँचों के पाँचों बार हारा है एंड इंग्लैंड पाँचों के पाँचों बार जीता है, ठीक है। अब हेड टू हेड इन इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड के ग्राउंड पर जब हेड टू हेड होता है ये दोनों टीम्स के बीच में आमना सामना, तब क्या होता है, तब टोटल 48 मैचेस खेले गए हैं, इंग्लैंड जीता है 30 बार एंड पाकिस्तान जीता है सिर्फ 16 बार, नो रिजल्ट रहा है 2 बार। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंग्लैंड का थोड़ा सा हल्ला गुल्ला ज़्यादा रहता है, ऑब्वियसली इंग्लैंड के ग्राउंड पे इंग्लैंड का ही रहेगा बट थोड़ा सा टीम भी इंग्लैंड का स्ट्रांग है, चाहे इनका BCD खेल रहा हो बट ये स्ट्रांग है एंड ये प्लेयर्स काफ़ी अच्छे खासे परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं टॉप पाकिस्तान बैट्समैन वर्सेस इंग्लैंड। अब इंग्लैंड का भी टॉप बैट्समैन वर्सेस पाकिस्तान में दिखा सकता था बट वो सारे प्लेयर्स नहीं खेल रहे, जैसे कि मोइन अली, जैसे कि जो रूट, ओइन मॉर्गन, जॉनी बैरिस्टर, जेसन रॉय, ये सब नहीं है तो उनके बारे में बताने का भी फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं पाकिस्तान बैट्समैन का बता देता हूँ एंड बॉलर्स का बता देता हूँ कौन कौन अच्छा करता है जब जब इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलते हैं। जैसे सरफराज अहमद, अगर इनको इस मैच में मौका मिलता है तो ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दिखेगा सरफराज अहमद। सबको पता है कि इंग्लैंड के अगेंस्ट एंड इंग्लैंड के ग्राउंड पर जब ये खेलते हैं इनका एवरेज है 59.5 13 इनिंग्स में, ठीक है, ये कोई मजाक नहीं है, काफ़ी अच्छा खेलते हैं बट पता नहीं क्यों इनको साइडलाइन किया जाता है। इंग्लैंड के ग्राउंड पे एटलीस्ट इनको मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से, जब इतना वल्नरेबल टीम है आपका, तो सरफराज अहमद मिडिल ऑर्डर में जो स्टेबिलिटी दे सकता है शायद ही कोई दे सकता है, बाबर आजम के साथ ये अच्छा खासा पार्टनरशिप बना सकते हैं, ठीक है। बाकी बाबर आजम का एवरेज तो आप देख ही सकते हैं 45.6, फ़कर जमान का 41.8, इमामुल हक का 44.75, जैसे कि मैं बता रहा था फ़कर जमान से भी ज़्यादा एवरेज है इमामुल हक का, ठीक है। बाकी यहाँ से हरीश सोहेल तो नहीं है फिलहाल, आउट हो चुके हैं इंजरी की वजह से। मोहम्मद रिजवान का है 17.25 बट रिसेंट फॉर्म मोहम्मद रिजवान का काफ़ी अच्छा है, इस एवरेज को मत देखिएगा, ये पहले का है जब उतना कुछ खास नहीं खेलते थे मोहम्मद रिजवान, ठीक है। बाकी टॉप पाकिस्तान बॉलर्स वर्सेज इंग्लैंड कौन कौन है, हसन अली 10 इनिंग्स में 14 विकेट, ये बैटिंग भी कर लेते
तो इसलिए हसन अली को ट्राई करना ही है इस मैच में। शाहीन शाह अफरीदी को स्पेशल मैं बोलूँगा ट्रंप प्लेयर्स में से एक मेरे इस टीम का। तो ये 4 विकेट निकाले हैं बेस्ट 4 for 82, 4 इनिंग्स में 5 विकेट्स हैं इनका पाकिस्तान के अगेंस्ट। मोहम्मद हसनैन फिलहाल तो नहीं है। बाकी यहाँ से शादाब खान 2 इनिंग में 3 विकेट, मोहम्मद नवाज 4 इनिंग में 2 विकेट एंड फहीम अशरफ 3 इनिंग में 1 विकेट। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता था। बेस्ट बॉलिंग फिगर इस ग्राउंड पे किसका है दोस्तों, आप मुझे बताओ कि ये ग्राउंड किन का है। ये ग्राउंड है इंग्लैंड का, बट इंग्लैंड के किसी भी प्लेयर से बेहतरीन फिगर जो रखते हैं वो रखते हैं एक पाकिस्तान के बॉलर, वो है शाहीन शाह अफरीदी जो है 6 for 35 इन 9.1 ओवर्स वर्सेस बांग्लादेश इन वर्ल्ड कप 2019। तो शाहीन शाह अफरीदी इस ग्राउंड पे बॉलिंग करना पसंद करते हैं, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हुए ये ओपोनेंट को तंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन ज़रूर से बनाइएगा अगर ये बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हो तो ग्रैंड लीग के टीम में, ठीक है। दोस्तों ले दे के मेरा टीम कुछ ऐसा बन रहा है फिलहाल। यहाँ पे मैंने बाबर आजम को कैप्टनशिप दिया है ऑब्वियसली क्योंकि बहुत रिलायबल प्लेयर हैं। वाइस कैप्टन मैंने जैक ट्रॉली को दिया है, आप डेविड मलान को भी दे सकते हो, बेन स्टोक्स को भी दे सकते हो, सब लगभग बेन स्टोक्स को देंगे। बट अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है फिर से इंग्लैंड का तो मैं उतना खास नहीं समझता कि बेन स्टोक्स को नंबर 5 नंबर 6 पे बैटिंग आएगा उनका, ठीक है। और ये उतना बॉलिंग नहीं कर रहे क्योंकि इनके पास बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शन है, शाकिब महमूद हो गया, मैट पार्किंसन हो गया, ब्रेडन कर्स हैं जो कि आपको ट्राई करना है, मैं बताऊंगा ट्रंप प्लेयर्स और वीडियो आखिर तक देखो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। बाकी ब्रायडन कर्स को मैंने फिलहाल तो नहीं लिया है बट आप जरूर से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्रेग ओवरटन भी है, बहुत सारे इनके पास बॉलिंग ऑप्शन है। बेन स्टोक्स उतना कुछ खास बॉलिंग नहीं करते हैं, ठीक है, थीके? अगर बॉलिंग करते भी होंगे तो 4 से 5 ओवर करेंगे, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वाइस कैप्टन आप रिस्क लेके अगर इंग्लैंड फिर से बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है तो इंग्लैंड के किसी डेथ बॉलर को आप जरूर से दे सकते हो जो अच्छा खासा स्विंग करता है, शुरू में भी बॉलिंग करता है डेथ में भी करता है, जैसे कि शाकिब महमूद हो गया, क्रेग ओवरटन, इनको आप वाइस कैप्टन दे सकते हो। थोड़ा सा रिस्क होगा बट काम में आ सकता है। एंड यहाँ पे मैंने फ़कर जमान को नहीं लिया है क्योंकि क्रेडिट मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं शाकिब महमूद की जगह शायद फ़कर जमान को ले लेता। बट शाकिब महमूद लास्ट मैच में काफ़ी अच्छे खासे टच में दिखे थे, पीएसएल में भी फॉर्म इनका बेहतरीन था, लास्ट मैच में रनआउट हो गए थे और रनआउट होने के बाद बहुत डिसअपॉइंटेड लग रहे थे, मतलब ऐसा कि वो अपना एक पॉइंट प्रूव करना चाहते थे बट बाई चांस रनआउट हो गए, फ़कर जमान ने इनको रनआउट करवा दिया मुझे कहना चाहिए। तो इस मैच में ये अच्छा खासा फट सकते हैं, ठीक है। तो शाकिब महमूद का ध्यान रखना, बैटिंग फर्स्ट हो या बैटिंग सेकंड हो अच्छा खासा कर सकते हैं। मोहम्मद रिजवान को मैंने है वहां पे नो क्रेडिट जा रहा है, इनको छोड़ के आप फिल सॉल्ट को ले सकते हैं, ठीक है। इनको छोड़ के अगर आप फिल सॉल्ट को लेते हैं तो शायद आप यहां से कुछ अच्छा खासा प्लेयर्स और ले सकते हैं किन्हीं प्लेयर्स को छोड़ के, ठीक है। तो दोस्तों वो वाला टीम बनाया था मैंने ये सोच के कि इंग्लैंड का फिर से बॉलिंग फर्स्ट आएगा एंड पाकिस्तान फिर से बैट फर्स्ट करेगा। बट अगर इंग्लैंड बैट फर्स्ट करता है तो कौन से ट्रंप प्लेयर्स के ऊपर आपको ध्यान देना है ग्रैंड लीग में एंड रिस्की स्मॉल लीग में। तो यहाँ पे आप देखो बेन डकेट अगर खेलते हैं तो ऑब्वियसली आपको ट्राई करना है, या इसे सरफराज अहमद ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर खेलते हैं तो ये दोनों लास्ट मैच में नहीं खेले थे, अगर खेलते हैं तो दोनों बेहतरीन कर सकते हैं। सरफराज अहमद का तो मैंने बताई है इंग्लैंड के अगेंस्ट, इंग्लैंड के ग्राउंड में 59 का एवरेज होता है इनका। और बेन डकेट रिसेंटली बेहतरीन फॉर्म में है, 3rd highest रन स्कोरर है नॉटिंगहैमशायर की तरफ से इस साल, वाइटलिटी ब्लास्ट में आप ट्राई कर सकते हो। बाकी फिल सॉल्ट लास्ट मैच में चेजिंग करते हुए फ्लॉप हुए थे, शाहीन शाह अफरीदी के सामने आउट हो गए थे, बट हर बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये अच्छा खासा कर सकते हैं। स्पेशली वाइल चेजिंग फिल सॉल्ट को ट्राई करना है, विकेट कीपिंग का भी पॉइंट्स देंगे आपको, तो ऑब्वियसली सॉरी विकेट कीपिंग तो ये नहीं करेंगे, विकेट कीपिंग करेंगे जे सिम्सन, ठीक है। तो फिल सॉल्ट सिर्फ बैटिंग करेंगे, आप इनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी जे सिम्सन अगर बैटिंग फर्स्ट आया इंग्लैंड का तो ये अगर शुरू में 3-4 विकेट जल्दी गिर गए तो ये लेट मिडिल ऑर्डर एंड मिडिल ऑर्डर में आके अच्छा खासा कर सकते हैं। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, काफ़ी संभल के खेलते हैं, एक स्टेबिलिटी देते हैं नीचे आके, उतना पावर हिटर नहीं है बट नीचे आके अच्छा खासा स्टेबिलिटी देते हैं। इनका रोल तब बढ़ जाएगा जब शुरू में 2-3 विकेट जल्दी गिर जाएगा, जैसे कि मैं बता रहा था शाहीन शाह अफरीदी काफ़ी अच्छा खासा तंग कर सकते हैं। तो अच्छा खासा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जे सिम्सन का बैटिंग इस मैच में आना चाहिए और ये आपको कीपिंग से भी पॉइंट्स देंगे, ठीक है। तो मैं ग्रैंड लीग के पिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी मोहम्मद रिजवान का 86% सिलेक्शन है, इनके बारे में बात करके फ़ायदा है नहीं, लगभग सभी के टीम में मोहम्मद रिजवान आपको दिख जाएंगे। अब बैटिंग सेक्शन से ट्रंप पिक्स कौन कौन होंगे, जेम्स विंस नंबर 1 ट्रंप पिक है, जेम्स विंस नंबर 4 पे बैटिंग करने चाहिए। अगर शुरू में 2 विकेट जल्दी गिर गया तो इनका रोल जल्दी आ जाएगा एंड बेहतरीन तरीके से बैटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको सेकंड पिक, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, इमाम उल हक, जिनका एवरेज ODI मैचेस में है 51.75 का, ज़रूर से ट्राई करना है, ठीक है, जेम्स विंस एंड इमाम उल हक।
बाकी डेविड मलान का ऑब्वियसली 88.64% का इनका सिलेक्शन है, आप ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग में एंड ग्रैंड लीग में भी ट्राई कर सकते हो। बट अगर ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है ना, तो अगर शाहीन शाह आफरीदी एक अच्छा बॉल डालते हैं एंड इनको आउट कर देते हैं जल्दी, एक आउट स्विंगर से हो या फिर इन स्विंगर से हो या फिर यॉर्कर से हो, क्योंकि लेफ्ट हैंडर को आउट करना पसंद है शाहीन शाह आफरीदी को, स्पेशली ये बॉल को अच्छे से बॉडी से दूर लेके जाते हैं लेफ्ट हैंडर का, आउट स्विंग करते हैं एंड आउट कर देते हैं, ठीक है, स्लिप में या फिर विकेट कीपर के पास। तो डेविड मलान थोड़ा सा इस मैच में रिस्की होंगे, ठीक है, शाहीन शाह आफरीदी की वजह से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सामने रिस्की होंगे। बाकी फखर जमान लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा किए थे, ये अपना एक पॉइंट प्रूव करने के लिए खेल रहे हैं, पता है। अब क्या पॉइंट है कि बहुत लोग बोलते हैं कि ये फ्लैम्बॉयंट बैट्समैन है सिर्फ, मतलब सिर्फ चला के खेलना जानते हैं, रुक के खेलना नहीं जानते, तो लास्ट मैच में इसलिए ये थोड़ा सा अपने आप को प्रूफ किए और करना चाहते थे। मैं बहुत सारा पाकिस्तान मीडिया को फॉलो करता हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी पढ़ता हूँ, वहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स का यही कहना है कि ये अपने पॉइंट को प्रूफ करने के लिए खेल रहे हैं कि हाँ मुझे सिर्फ चला के खेलना ही नहीं आता, मैं रुक के भी खेल सकता हूँ, और उनके खेल में ये दिख भी रहा है, ठीक है। तो इसलिए फखर जमान इस मैच में भी रुक के खेल सकते हैं, अच्छा खासा कर सकते हैं। बाकी जैक क्रॉली का मैं लास्ट मैच में बताया था, इस मैच में भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी शाकिब महमूद जो लास्ट मैच में मुझे बेहतरीन दिखे थे जब सब आउट हो रहे थे, ये मुझे काफ़ी कंफर्टेबल दिखे थे और ये एक छक्का भी लगाए थे, तो ऑब्वियसली शाकिब महमूद को ट्राई करना है। लास्ट मैच में रन आउट हो गए थे अनफॉर्चुनेटली, बट अपना सेकेंड ODI मैच में ये एक अच्छा खासा अपना पॉइंट प्रूव करने का ज़रूर से कोशिश करेंगे, ठीक है। अब्दुल्ला शफीक को फिलहाल चांस नहीं मिलेगा, अगर मिलता है तो आप ट्राई कर सकते हो। बेन स्टोक 64% सिलेक्शन है, बॉलिंग उतना नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ बॉलिंग उतना नहीं करेंगे, अगर बैटिंग फर्स्ट होता है तो बेन स्टोक्स का रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कैप्टन है, नीचे आके फिनिश करना होगा, इनको अच्छा खासा स्कोर बोर्ड पे टांगना होगा, तो ऑब्वियसली नीचे आके अच्छा खासा खेल सकते हैं। फहीम अशरफ मुझे उतना कुछ खास नहीं लगते हैं, स्पेशली इंग्लैंड के कंडीशन में, क्योंकि उतना कुछ खास स्विंग नहीं है और उतना अच्छा लेंथ को भी हिट नहीं करते, ठीक है, और बैटिंग बहुत ज़्यादा नीचे करना है, तो उतना कुछ खास कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं लगता फहीम अशरफ देंगे, बट ग्रैंड लीग में एक टीम में आप ट्राई कर सकते हो। लुइस ग्रेगोरी विद द बॉल लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा किए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मोहम्मद रिजवान को आउट किए थे, काफ़ी अच्छे बॉल डाले थे, काफ़ी अच्छे लेंथ को हिट करते हैं और नीचे आके फिनिश भी करते हैं, ठीक है, बेन स्टोक्स के साथ नीचे आके फिनिश कर सकते हैं, तो इनको ट्राई करना है, ग्रैंड लीग में 67% का सिलेक्शन है। शादाब खान लास्ट मैच में बैटिंग करने का बहुत कोशिश किए बट लास्ट तक नहीं हुआ, एंड इनका बॉलिंग फॉर्म बहुत ही घटिया चल रहा है फिलहाल, बहुत दिनों से, ठीक है, बहुत महीनों से मुझे कहना चाहिए, PSL में भी कुछ खास नहीं किया एंड उसके पहले भी इंजर्ड थे, तो ऑब्वियसली अब तक इनका फॉर्म वापस नहीं आया है, ग्रैंड लीग में एक से दो टीम में ट्राई कीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। मोहम्मद नवाज को चांस नहीं मिला। साउथ शकील पाकिस्तान में डोमेस्टिक मैचेस ये खेले हैं, इनका एवरेज है 54, ठीक है, डोमेस्टिक मैचेस में, ठीक है, ODD डोमेस्टिक मैचेस में इनका एवरेज है 54, तो इनको आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हो, अगर शुरू में जल्दी विकेट फिर से गिरता है तो साउथ शकील जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है काफ़ी अच्छा संभाल सकते हैं। लास्ट मैच में एक अच्छा इनस्विंगर गिरा और ये LBW हो गए, बट इस मैच में अच्छा कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि इनको अच्छा खासा बॉल खेलने को मिल जाए, ठीक है। बाकी यहाँ से आगा सलमान तो फिलहाल नहीं है, डैन लॉरेंस नहीं है, विल जैक्स को ग्रैंड लीग में ट्राई करना अगर मौका मिलता है तो, सर्रे के तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर थे। अब बॉलिंग में शाहीन शाह आफरीदी 79% का सिलेक्शन है, ग्रैंड लीग में दो से तीन टीम में कैप्टन बना के भूल जाओ, ठीक है। हसन अली 38% सिलेक्शन आ चुका है, क्योंकि लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला, ना ही बैटिंग से कंट्रीब्यूशन दे पाए, बट ये दोनों ही कर सकते हैं, तो इसलिए ये दोनों प्लेयर्स को नहीं छोड़ना है इस मैच में। बाकी जेक बॉल को अगर मौका मिलता है, जो कि नॉटिंगहैमशायर की तरफ से सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है इस साल वाइटलिटी ब्लास्ट का, तो ज़रूर से ट्राई करना, ठीक है। पर क्रेग ओवरटन डेथ ओवर में डाले थे लास्ट मैच में, आप ट्राई कर सकते हो। शाकिब महमूद लास्ट मैच में 4 विकेट निकाले थे, काफ़ी तंग किए थे पाकिस्तान को, ज़रूर से ट्राई करना है स्मॉल लीग में तो डेफिनेटली, ग्रैंड लीग में आप छोड़ सकते हो। अब ग्रैंड लीग में आप शाकिब महमूद को छोड़ोगे तो किन को ट्राई करोगे, यहाँ से ब्रायडन कर्स एक राइट आर्म फास्ट बॉलर है मार्क वुड के तरह, और मार्क वुड आपको पता ही है कितना फास्ट है, उनका रेप्लिका है ब्रायडन कर्स, ज़रूर से ये इस मैच में 3 विकेट 2 विकेट निकाल सकते हैं, ज़रूर से ट्राई करना, सिर्फ 10% सिलेक्शन है। अगर स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो क्रेग ओवरटन के ऊपर ब्रायडन कर्स को ट्राई करना, ठीक है, ये अच्छा खासा कर सकते हैं। बाकी नीचे से और कोई खास ऑप्शन है नहीं जो खेलेगा, हरीश राव को मैं प्रेफर नहीं करता, मैट पार्किंसन लैंकाशायर की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर इस साल का, आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हो, लेग स्पिनर है, अच्छा खासा विकेट निकालते हैं, बाकी और कोई खास ऑप्शन है नहीं। तो दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल लगा, एनालिसिस अगर आपको सही लगा एंड अच्छा लगा एंड कॉन्फिडेंस थोड़ा सा फील कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको और कैसा क्या वीडियो चाहिए, अगर आपके मन में कोई सवाल हो इस मैच के रिलेटेड तो आप वो भी कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।